नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं इतिहास का एक और पन्ना लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पन्ने की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में नींव रखने का मौका दिया। आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। 1757 ईस्वी में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की पूर्णतः स्थापना कर दी। बंगाल की तत्कालीन स्थिति और अंग्रेज स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। अलीवर्दी खां, जो पहले बिहार का नायब निजाम था, ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद आई राजनीतिक उठापटक का भरपूर लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को युद्ध में हराकर मार डाला और स्वयं नवाब बन गया। 9 अप्रैल को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खां की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन होगा। इसके लिए कुछ लोगों में उत्तराधिकार के लिए षड्यंत्र शुरू हो गए। पर अलीवर्दी ने अपने जीवन काल में ही अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अंततः वही हुआ, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला भले ही नवाब बन गया, पर उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी विरोधी और प्रतिद्वंदी उसके परिवार से ही थी, और वह थी उसकी मौसी। उसकी मौसी का नाम घसीटी बेगम था। घसीटी बेगम का पुत्र शौकत गंज, जो स्वयं पूर्णिया का शासक था, उसने अपने दीवान अमीन चंद और मित्र जगत सेठ के साथ सिराजुद्दौला को परास्त करने का सपना देखा। मगर सिराजुद्दौला पहले से ही सावधान हो चुका था। उसने सबसे पहले घसीटी बेगम को कैद किया, उसका सारा धन जब्त कर लिया। इससे शौकतगंज भयभीत हो गया और उनसे सिराजुद्दौला के प्रति वफादार रहने का वचन दिया। पर सिराजुद्दौला ने बाद में उसे युद्ध में हराकर मार डाला। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दक्षिण में फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों के हौसले बुलंद थे, मगर वे बंगाल में भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। पर अलीवर्दी ने पहले से ही सिराजुद्दौला को सलाह दे दी थी कि किसी भी हालत में अंग्रेजों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। इसलिए सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों को लेकर शंकित था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। गुस्साए नवाब ने मई 1756 में आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 में कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार होने के पहले ही अंग्रेज गवर्नर ड्रेक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप में शरण ले ली। कलकत्ता में बची खुची अंग्रेजों की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अनेक अंग्रेजों को बंदी बनाकर और मानिकचंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट आया। ऐसी ही परिस्थिति में काली कोठरी की दुर्घटना द ब्लैक होल ट्रेजडी घटी, जिसने अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के संबंध को और भी कटु बना दिया। कहा जाता है कि 140 अंग्रेजों, जिनमें उनकी स्त्रियां और बच्चे भी थे, को फोर्ट विलियम के एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वाटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिल जानी चाहिए। नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों को सारी जब्त फैक्ट्रियां और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। अंग्रेजी संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बिठाना चाहते थे, जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके काम में रोड़ा ना डाले।
क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफर से गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लोभ दे दिया। इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का व्यय सहन करने का आश्वासन दे दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद भी अंग्रेजों से जुड़ गए। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफर को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की, पर वह असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांप कर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, अंग्रेजों की सेना का डटकर सामना करने लगी। परंतु मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। वह जान बचाकर भागा, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसे पकड़कर मार डाला। प्लासी के युद्ध के परिणाम अत्यंत ही व्यापक और स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर पड़ा। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। उसने कंपनी और क्लाइव को बेशुमार धन दिया और संधि के अनुसार अंग्रेजों को भी कई सुविधाएं मिली। बंगाल की गद्दी पर अब एक ऐसा नवाब आ गया जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। प्लासी के युद्ध ने बंगाल की राजनीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम कर दिया। अंग्रेज अब व्यापारी से राज शक्ति के स्रोत बन गए थे। इसका नैतिक परिणाम भारतीय पर बहुत ही बुरा पड़ा। एक व्यापारी कंपनी ने भारत आकर यहां से सबसे अमीर प्रांत के सूबेदार को अपमानित करके गद्दी से हटा दिया और मुगल सम्राट तमाशा देखते रह गए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना आरंभ कर दिया था। इसी युद्ध से प्रेरणा लेकर क्लाइव ने आगे बंगाल में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। बंगाल से प्राप्त धन के आधार पर अंग्रेजों ने दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त की और भारत में इकलौते प्रतिद्वंदी को नष्ट कर दिया। आशा करता हूं यह ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक किस्सा और ये ऐतिहासिक पन्ना आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।